पीएम मोदी का ये सबसे अनोखा अंदाज है। पीएम मोदी को अब आप देखेंगे एक ऐसे अंदाज में जिस अंदाज में आज तक आपने उन्हें देखा नहीं होगा। घने जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, शेर होंगे और उन सबके बीच होंगे पीएम मोदी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही टीवी के पर्दे पर एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाले हैं। डिस्कवरी इंडिया चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद ही स्पेशल एपिसोड शूट किया है जिसे 12 अगस्त को दुनिया के 180 देशों में प्रसारित किया जाएगा। डिस्कवरी इंडिया चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी अब तक के सबसे खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल डिस्कवरी पर आने वाले मैन वर्सेस वाइल्ड शो में एक एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिखाया जाने वाला है। इस शो को 12 अगस्त को रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में हरे भरे जंगल, विविध वन जीव, खूबसूरत पहाड़ और शक्तिशाली नदियां मिलती हैं। इस कार्यक्रम को देखकर भारत के कई क्षेत्रों का दौरा करने और पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप सोच सकते हैं। वहीं ग्रिल्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री को भारतीय जंगलों की सैर पर ले जाना सम्मानीय अनुभव था। उन्होंने कहा कि मैं अद्भुत विश्व नेता के साथ समय बिता सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वन हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है और एक साथ हम ज्यादा मजबूत हैं। आपको बता दें कि मैन वर्सेस वाइल्ड इस तरह का काफी फेमस कार्यक्रम है जो पर्यावरण और जानवरों के बारे में दी जाने वाली जानकारी को लेकर न सिर्फ युवाओं बल्कि हर तबके में फेमस है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नई दिल्ली में देश में बाघों की वर्तमान संख्या पर एक ताजा रिपोर्ट जारी की। नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश में बाघों की कुल संख्या 2967 है। नए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या 526 दर्ज की गई है जबकि कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक में बाघों की वर्तमान संख्या 524 जबकि तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में बाघों की वर्तमान संख्या 442 है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि 5 साल में संरक्षित इलाकों की संख्या 692 से बढ़कर 860 हुई है। सामुदायिक अभयारण्यों की संख्या 43 से बढ़कर 100 के ऊपर हो गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये कार्यक्रम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के मद्देनजर ही बनाया गया है। ऐसे में अब सबको 12 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।